अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एस एस ए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एस एंड वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन दी हुई है। इसके 1, 2 + 3 एटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 + 3 एटा मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 2 = 0 इज इक्वल टू है। जब इज इक्वल वाली इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन है, जिसमें से हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन करते हैं कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं। तो एस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को एस के साथ मल्टीप्लाई करें, 2s प्लस फिर 3 एटा को एस के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x एटा। तो वाई के साथ मल्टीप्लाई इसको y × 1 y + 3y एटा + 2 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 2s लिखेंगे, फिर y लिखेंगे प्लस y फिर प्लस वो, मजे के साथ एटा नहीं है, इसके साथ एटा नहीं है, इसके साथ एटा नहीं है, इसके साथ एटा नहीं है, ये रियल पार्ट है। जिसका एटा नहीं होता वह क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो क्या किया हमने, 2s + y + 2 इनके साथ एटा नहीं है, इसको हमने अलहदा कर लिया। प्लस अब इनके साथ एटा है, 3s + 3y एटा, इसमें से दोनों में से एटा कामन लेना है। प्लस क्या करेंगे, 3s + 3y इन दोनों में से एटा कामा ले रही है, ठीक है। 2s + y + 2 एक साथ एटा नहीं था, इसका हमने अलहदा कर लिया। बाकी क्या बचा, 3s + 3y एटा, इनसे दोनों में से हमें एटा को कामा ले लिया। इज इक्वल यहाँ पर देखें 0 है ना, इसको लिखें 0 + 0 एटा। जो लेफ्ट हैंड साइड भी कंप्लेक्स नंबर है, जो लेफ्ट हैंड साइड भी कंप्लेक्स नंबर है, ये वाला सारा रियल पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। जिसका एटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, जिसका एटा होता है वो वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमने क्या किया, ये रियल कंप्लेक्स नंबर है, तो इसको हमने कंप्लेक्स नंबर बना लिया। कंप्लेक्स नंबर बनाने के लिए क्या किया, इसको 0 का हम लिख दिया, 0 + 0 एटा, 0 ऐड किया तो वो 0 ही होगा ना। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या कहेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों को कंपेयर करें, ये जो रियल पार्ट है इस रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका जो रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा। क्या लिखें, 2s + 2y + 2 = 0, 2s + y + 2 = 0, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और फिर ये वाला 3s + 3y = 0, ये भी 0, ठीक है। अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3s + 3y = 0, ये हम अयोटा के साथ किया है, 3s + 3y, ये हम अयोटा के साथ किया 0, तो 3s + 3y = 0, ये दोनों में से 3 कामा ले लिया, तो s + y = 0। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दिस इंप्लाइज s + y = 0/3, 0 को 3 से डिवाइड करने वाला 0 हो जाएगा। अब इसमें एस की वैल्यू निकालें या वाई की वैल्यू निकालें, तो दिस सिंपल्स y = क्या आएगा, -s। यहाँ से एस को हम दूसरी तरफ पर ले गए, y = -s, ये वाली आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपके दो क्वेश्चन है, एक ये वाली इक्वेशन है 2s + y + 2 = 0, दूसरी वाली इक्वेशन, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एस और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, पुट कर, क्या लिखें, पुटिंग y = -s इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर y को क्या पुट कर देंगे, -s पर, यहाँ से हमने फाइंड किया y = -s, यहाँ पर y इसका -s पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, क्या लिख, ये 2s पर ऐसे लिखते ना, 2s + y को क्या लिखते ना, -x, ये +2 = 0। हमने यहाँ क्या किया, y की वैल्यू -x है, यहाँ पर y को हमने -x के साथ रिप्लेस कर दिया, ये 2s हो गया, +x - -x + 2 = 0, 2s में से s माइनस करें, ये s हो गया, s + 2 = 0। अब s = कितना आ गया, -2। अब s की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग s = -2 इन इक्वेशन नंबर 2।
वाई इज इक्वल टू माइनस, पहले माइनस से मिले एस की वैल्यू माइनस टू, दो माइनस आ जाएंगे, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस टू, देयरफॉर एस की वैल्यू माइनस टू आ गई, वाई की वैल्यू प्लस टू आ गई, एस इक्वल टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू प्लस टू, ये आपका आंसर है। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन आसान है। इसका दो तीन दफ़ा करें फिर आपको ईजी लगेगा। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड पार्ट, एस वन वन प्लस ए वटा एस वन प्लस वाई ए वन वन माइनस टू ए वटा इज इक्वल टू वन, ये भी इक्वेशन है, यहाँ से हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके बाद प्लस सीओटा नीचे आ रहा है, तो नीचे से वहाँ पर सीओटा ख़त्म कर लेंगे, इधर से नीचे से वन माइनस टू एटा को ख़त्म कर लेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, इसका भी रैशनलाइज कर लेंगे, इसका भी रैशनलाइज कर लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज एस ओवर वन प्लस सीओटा वैसे लिख दिया, इसको वन माइनस एटा के साथ प्लस आना, इसका साइन चेंज कर दें, वन माइनस एटा के साथ मल्टीपल डिवाइड कर दें, प्लस इसका वैसे लिखें वन ओवर वन माइनस, यहाँ पर माइनस है इसको साइन चेंज करेंगे प्लस आएगा, वन प्लस टू एटा के साथ मल्टीप्लाई करें उसी के साथ डिवाइड कर दें इज इक्वल टू वन, तो दिस इम्प्लाइज अभ्यास के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, एस एन वन एक्स माइनस एस एटा, एस के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वाई के साथ मल्टीप्लाई करें वाई इंटू वन वाई प्लस वाई इंटू टू टू वाई एटा, नीचे भी फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल वन, तो एस माइनस एस एटा डिवाइडेड बाई वन का स्क्वायर वन होता है, एटा का स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई प्लस टू वाई एटा डिवाइडेड बाई वन का स्केयर वन टू का स्केयर फोर, ये एटा स्केयर है, एटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन, पहले टू का स्केयर लिया टू का स्केयर फोर, एटा का स्केयर है, एटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन लिखते हैं इज इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज एस माइनस एस एटा डिवाइडेड बाई वन प्लस वन हो गया प्लस वाई प्लस टू वाई एटा डिवाइडेड बाई ये माइनस वन प्लस हो गया वन प्लस फोर इज इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज एस माइनस एस एटा डिवाइडेड बाई टू प्लस वाई प्लस टू वाई एटा डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू वन, अब नीचे से टू और फाइव ख़त्म करने हैं, टू और फाइव का एलसीएम क्या है टेन, टू और फाइव का एलसीएम टेन होगा, ऊपर इक्वेशन को टेन के साथ मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई बाई टेन, टू और फाइव का एलसीएम जो है वो क्या है टेन है, टेन के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें टेन इंटू एस माइनस एस एटा डिवाइडेड बाई टू प्लस टेन इंटू वाई प्लस टू वाई एटा डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू टेन इंटू वन, इसका भी हमने टेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी टेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी टेन के साथ टू फाइव ज़ार टेन, ये कर दिया टू फाइव ज़ार टेन, तो क्या हो जाएगा फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दें फाइव एक्स माइनस फाइव एस एटा, ये फाइव टू ज़ा टेन, टू से मल्टीप्लाई करें टू वाई टू टू ज़ा फोर, फोर वाई एटा इज इक्वल टेन वन ज़ा टेन, अब क्या करेंगे, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, फाइव एक्स के साथ क्या लिखें टू वाई, क्या लिख देंगे फाइव एक्स प्लस टू वाई, ये रियल पार्ट है, इसके साथ एटा नहीं है, इसके साथ एटा नहीं है, जिनके साथ एटा नहीं है उसका हमने अलहदा कर लिया है, अब इसके साथ एटा है, इसके साथ एटा है, इन दोनों में से एटा कामा लेना है, प्लस का साइन लगाए माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई, एटा दोनों में से इसमें से इसमें से एटा कामा ले लिया है, प्लस का साइन लगा कर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई एटा इज इक्वल टू टेन, ठीक हो गया जी। अब ये देखिए ये वाला इतना इसका सा एटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, इसका सा एटा ये वाला माइजिक पार्ट है, ये वाला कंप्लेक्स नंबर है, इधर टेन है, तो टेन के साथ क्या लिखते हैं, इसका जीरो लगा दें, जीरो एटा,
लेफ्ट साइड भी कंप्रेस समर बन गया, राइट साइड भी कंप्रेस समर बन गया। ये वाला रियर पॉइंट है, ये वाला रियर पॉइंट है। तो कंपेयर द बोथ साइड, कंपेयर द बोथ साइड्स। तो इस रियर पॉइंट को इसके इक्वल करेंगे, 5s + 2y इज इक्वल टू 10। इसका जो रियर पार्ट है, इसका रियर पार्ट के इक्वल होगा। ये वाली फर्स्ट क्वेश्चन आ गई। और फिर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा -5s + 4y = 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और ये दो इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से हम क्या करेंगे, एस और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ये देखें +5s या -5s है, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। पहले ये लिखते हैं 5s + 2y = 10। दूसरी क्वेश्चन ये बनी -5s + 4y = 0। ऐड करने से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो गया 6y, और 10 + 0 = 10y। तो y इज इक्वल कितना आएगा 10/1, ऐसे सीधा आ गया 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। y की वैल्यू आ गई 5/3। अब हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है। s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू को हम यहाँ में पुट कर लें। तो पुट कर लें, पुटिंग y इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं फर्स्ट पर या सेकंड, जिस पर मर्जी पुट कर लें। यह सेकंड इक्वेशन आसान है, इसलिए इसमें यहाँ पर पुट करो। तो -5x वैसे लिख दिया, -5x + 4, यहाँ पर वाई की वैल्यू ये लिखते नहीं है, 5/3 = 0। तो क्या किया, पहले वाई की वैल्यू फाइंड किया 5/3, अब एस की वैल्यू फाइंड कर रही है। तो क्या करें, ये वैल्यू इस पर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, -5s क्या पहले +4, वाई की वैल्यू 5/3 = 0। तो दिस इंप्लाइज -5s, 4 × 5 = 20/3, 4 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे = 0। अब ये इसको दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो -5s = माइनस होएगा 20/3। अब ये 5 इधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, कितना आएगा s = -20। पहले कट कैसा कर दें, इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल कर दें, तो प्लस हो जाएगा, इधर 20 आएगा 20/3। ये 5 इधर आकर नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर 5 है ना, मल्टीप्लाई होने जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 × 4 = 20। ये प्राइस s = 4/3, ठीक है। 20 को उधर ले, 20/3 ये माइनस 5 के साथ कैंसिल कर दिया, और 5 को डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 20/3, ये नीचे 3 के साथ आ जाएगा × 5, 5 × 4 = 20, 4। तो एस के वाली 4/3 आ गई, वाई के वाली 5/3 आ गई। पार्ट नंबर इसका 3 करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एस ओवर 2 + 0 उसी तरह गई है, एस ओवर 2 + 0 = 1 − 5 डिवाइडेड बाई 3 − 2 प्लस वाई ओवर 2 − 8। तो इसका भी रैशनलाइज करेंगे, तीनों को रैशनलाइज कर लेंगे। तो एस ओवर 2 + 8, इसको प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे, 2 − 8 के साथ मल्टीपाई और डिवाइड कर देंगे, इसी को 1 − 5 1 − 5 / 3 − 2 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन करके 3 + 2 / 3 + 2 = 1। प्लस है वाई ओवर 2 − 8 * प्लस माइनस है तो प्लस कर दें, 2 + 8 = 2 + 8। आप एस s × 2 − 8 डिवाइडेड नीचे फार्मूला बन गया, a + b a − b a² - b² 1 − 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3
थ्री, वन इंटू टू वही होता प्लस टू वही होता, ये माइनस फाइव होता इंटू थ्री, माइनस फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन नहीं होता, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, फाइव टू हज़ार टेन, अयोटा एंड अयोटा अयोटा स्क्वायर डिवाइड वाई, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी है तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, प्लस वाई इंटू टू प्लस अयोटा, इसमें फिर फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एस टू एक्स, टू एस माइनस टू अयोटा, सॉरी एस इंटू टू टू एस माइनस एस अयोटा, टू एस माइनस एस अयोटा, टू का स्क्वायर फोर माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इज इक्वल टू ये थ्री, टू अयोटा में से फिफ्टीन अयोटा माइनस किया, टू माइनस फिफ्टीन कितना हो गया माइनस थर्टीन अयोटा, माइनस टेन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस टू का स्क्वायर कितना है फोर, टू का स्क्वायर फोर, ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन लगा दी, प्लस वाई इंटू टू, टू वाई प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड टू का स्क्वायर फोर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स अयोटा डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन इज इक्वल टू थ्री माइनस थर्टीन अयोटा, ये माइनस वन प्लस हो गया टेन डिवाइडेड बाई नाइन प्लस फोर प्लस टू वाई प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, टू एक्स माइनस एस अयोटा डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल थ्री में प्लस का होना, थ्री प्लस टेन कितना थर्टीन, थर्टीन माइनस थर्टीन अयोटा डिवाइडेड बाई नाइन प्लस फोर थर्टीन, प्लस टू वाई प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड बाई फाइव, हम इधर इसमें थर्टी कामन ले लेंगे, तो टू टू एक्स माइनस एस अयोटा डिवाइडेड बाई फाइव, इन दोनों में से थर्टी कामन लेने, थर्टी कामन है तो वाई माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई थर्टीन, प्लस टू वाई प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड बाई फाइव, ये इसका साथ काट जाएगा। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, टू एक्स माइनस एस अयोटा डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू वन माइनस अयोटा प्लस टू वाई प्लस वाई अयोटा डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाला फाइव ख़त्म करना है तो पूरी इक्वेशन को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई फाइव, इसका भी इसका भी इसका भी, फाइव इंटू टू एक्स माइनस एस एटा डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव इंटू वन माइनस एटा प्लस फाइव इंटू टू वाई प्लस वाई एटा डिवाइडेड बाई फाइव, तीनों का हमने फाइव के साथ मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज टू एक्स माइनस एस एटा फाइव के साथ मल्टीप्लाई किया, फाइव वन सर फाइव माइनस फाइव एटा प्लस ये में काट काट गया टू वाई प्लस वाई अयोटा। अब देखिए इसको टू एक्स माइनस एस अयोटा इज इक्वल फाइव का साल इसको लिख लेंगे फाइव प्लस टू वाई, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, इसका हमने अलग कर लिया फाइव प्लस टू वाई, इन दोनों में से अयोटा कामन ले लेंगे प्लस माइनस फाइव ये प्लस वाई अयोटा, फाइव अयोटा माइनस फाइव अयोटा वाई अयोटा, इन दोनों में से हमने अयोटा कामन ले लिया तो माइनस फाइव प्लस वाई अयोटा। अब देखिए ये भी कंप्लेक्स नंबर है, ये भी कंप्लेक्स नंबर है, इसका ये रियल प्लान है, इसका ये रियल प्लान है, तो इसको इसका इक्वल कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स टू एस इज इक्वल क्या आ जाएगा, टू एस इज इक्वल फाइव प्लस टू वाई, फाइव प्लस टू वाई, ठीक है, इसका ये रियल पार्ट है टू एस, इसके साथ एटा नहीं है, इसके साथ एटा नहीं है, टू एस इक्वल फाइव प्लस टू वाई, हमें इसको टू वाई को इधर नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज टू एस माइनस टू वाई इज इक्वल फाइव, ये पानी फर्स्ट क्वेश्चन मांगी। अब देखिए इसके साथ एटा
माइनस एस ही होता है, इसके साथ भी यही होता है माइनस फाइव प्लस ही होता है। इनको कंपेयर करेंगे तो माइनस एस रिकल्ट क्या आएगा, माइनस फाइव प्लस वाई। अयोटा के साथ माइनस एक्स है, माइनस एक्स लिख दिया, अयोटा के साथ माइनस फाइव प्लस फाइव हमने ये लिख दिया। अब वाई को इधर लिया तो माइनस एस माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस एस माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस फाइव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर टू बन गई। अब दोनों को सॉल्व कर लें, इस वन और टू को सॉल्व कर लें तो कैसे करेंगे, देखिए टू एस माइनस टू वाई है, एस माइनस वाई है, इसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अभी क्वेश्चन नंबर वन वैसे लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने वैसे लिखते नहीं है, टू एस माइनस टू वाई इज इक्वल टू फाइव, ये वैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, इसको हमने क्या करना है, टू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे लिख दिया है, टू एस माइनस टू वाई सेकेंड फाइव, इसका हमने टू के साथ मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, इसको टू से मल्टीप्लाई करें माइनस टू वाई, इसको टू से मल्टीप्लाई करें माइनस टेन। फायदा क्या हुआ, ये टू एस माइनस टू, ये भी टू एस भी, ये टू एस है ना, ये भी टू एस बन गया। हम दोनों को ऐड करना है, दोनों क्या करें ऐड करना है, प्लस टू एस माइनस फोर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू वाई माइनस टू वाई माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई, फाइव में से टेन माइनस करें इसमें माइनस फाइव, माइनस माइनस कैसे काट गया फोर, इसके नीचे आ गया तो वाई से कर दो फाइव ओवर फोर, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, पुटिंग वाई से कर दो फाइव बाई फोर इन इक्वेशन नंबर टू, माइनस एक्स माइनस इसका फाइव फाइव में फोर इज इक्वल टू माइनस फाइव, इसको उधर ले लेंगे माइनस से इक्वल टू माइनस फाइव, ये होता जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस फाइव ओवर फोर, तो माइनस एस इक्वल टू फोर, इसका ऐसे में ले लिया हमने फोर का माइनस फाइव से मंडी में करें, माइनस फोर फाइव जो ट्वेंटी फोर, फोर से कर लिया प्लस फाइव, तो माइनस एस इक्वल टू माइनस ट्वेंटी प्लस फाइव कितना हो गया माइनस फिफ्टीन ओवर फोर, ये माइनस माइनस कैसा करेगा, ये सिंप्लाइस एस इक्वल टू फिफ्टीन ओवर फोर, ये एस की वैल्यू आ गई, ये वाली वाई की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर इसका थ्री की है, ये पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर है, इसको देखें कैसे करना है, पार्ट नंबर फोर टू इंटू सॉरी एक्स इंटू एस इंटू वन प्लस योटा स्क्वायर प्लस वाई इंटू टू माइनस योटा स्क्वायर इज इक्वल थ्री प्लस टेन योटा, इसका स्क्वायर खोल दें तो दिस सिंप्लाइज एस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी टू वन वन एवटा, फिर इसका स्क्वायर भी कौन है वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और माइनस टू ए बी टू इंटू एवटा, राइटर साहब वैसे लिखते नहीं है थ्री प्लस टेन एवटा, इसका भी स्क्वायर कौन दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसका स्क्वायर कौन दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एस इंटू वन का स्केर वन होता है, योटा स्केर कितना होता है माइनस वन प्लस इंटू माइनस वन, टू इंटू वन टू योटा हो गया, इस वाई इंटू टू का स्केर फोर प्लस योटा स्केर की वैल्यू माइनस वन माइनस टू टू जार फोर योटा इज इक्वल टू थ्री प्लस टेन योटा, ये आ गया एस इंटू एक्स इंटू वन प्लस माइनस माइनस हो गया वन माइनस वन प्लस टू योटा प्लस वाई इंटू फोर प्लस माइनस माइनस वन माइनस फोर योटा इज इक्वल टू थ्री प्लस टेन योटा, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एस का टू मल्टीप्लाई कर दें टू एस योटा, ये हो गया टू एस योटा प्लस वाई इंटू फोर माइनस वन थ्री माइनस फोर योटा इज इक्वल टू थ्री प्लस टेन आयोटा, दिस इंप्लाइज टू एस आयोटा प्लस वाई को थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री वाई
प्लस माइनस माइनस वाई इंटू फोर फोर वाई आयोटा इज इक्वल टू थ्री प्लस टेन आयोटा। अब इसको ये थ्री वाई इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका पहले लिख रहे हैं, इसका पहले हम लिख लेते हैं थ्री वाई। अब इसके साथ इसका आयोटा कामन ले रहे हैं, इसमें से आयोटा कामन ले रहे हैं प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई, आयोटा दोनों में से कामन ले रही है इज इक्वल टू थ्री प्लस टेन आयोटा। हम देखिए ये भी कमला समय में आ गया, ये भी कमला समय में, ये रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स दोनों साइडों को कंपेयर करें तो थ्री एक्स वाई इज इक्वल थ्री, थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन मांग इधर से थ्री से डिवाइड करें तो दिस सिंबल इज वाई इज इक्वल टू थ्री एवं थ्री, वाई इज इक्वल टू वन। ये फर्स्ट क्वेश्चन मांगे वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको ये रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है, ये के साथ क्या है टू एस माइनस फोर वाई, टू एस माइनस फोर वाई इज इक्वल योटा के साथ क्या है टेन है, ये सेकंड इक्वेशन। तो वाई की वैल्यू वन हमारे पास आ चुकी है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करें पुटिंग वाई इज इक्वल वन इन इक्वेशन नंबर टू। ये टू आ सकते हैं टू एस माइनस फोर वाई को क्या लिख देंगे वन लिख देंगे इज इक्वल टू टेन, टू एस फोर वन जो फोर इज इक्वल टू टेन, फोर इधर आ जाएगा टू एस इक्वल टू टेन प्लस फोर, टू एस इक्वल टू फोर्टीन, टू से डिवाइड कर दें एस इक्वल टू फोर्टीन नंबर टू, एस इक्वल टू सेवन। तो दिए फोर एस इक्वल टू सेवन वाई इज इक्वल टू वन। तो क्वेश्चन नंबर फोर के पांच पार्ट थे, पांच पार्ट हमने किए हैं, तो उम्मीद है कि हम पार्ट की अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।